Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जिसे वो पाना चाहता है और जब उसे लगता है कि वो उस चीज को पा नहीं सकता तो वो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है, जिसके बाद वो अपनी कमजोरी से उभरने के लिए उस चीज को पाने की पूरी कोशिश करने लगता है। ऐसे ही कोशिश जरोम नाम का एक आदमी 1970 की इस फिल्म क्लेयर्स नी में करता है, जिसकी एक अजीब सी चाहत है, क्लेयर नाम की लड़की के घुटने को छूने की चाहत। जरोम एक डिप्लोमेट है जो फ्रांस के किसी गांव में छुट्टियां बिताने आया है। उस जगह उसकी मुलाकात अपनी करीबी दोस्त अरोरा से हुई, जिसे वो काफी वक्त से मिला नहीं था। अपनी दोस्त से मिलकर वो बहुत खुश हुआ और उसने बताया कि जल्द ही उसकी शादी होने वाली है। कुछ वक्त बाद अरोरा ने जरोम को अपने साथ उस घर में रहने बुलाया जहां वो एक परिवार के साथ ठहरी है और जो घर उस जगह की सबसे खूबसूरत हिस्से के बीच है। उस घर में एक औरत अपनी दो बेटियों के साथ रहती है, जिनमें से एक का नाम है लौरा, जो 16 साल की है। उन सब ने एक दूसरे से जान पहचान की और तब जरोम ने बताया कि वो इस जगह 3 हफ्तों तक रहेगा, जिसके बाद वो अपने वेकेशन होम को बेचने वाला है और फिर से अपने शहर लौट जाएगा। कुछ दिनों बाद जरोम अरोरा को अपने घर ले आया जहां प्राचीन पेंटिंग्स और किताबें हैं। अरोरा को यकीन नहीं हो रहा था कि जरोम किसी एक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताने के लिए मान गया है, क्योंकि वो हर वक्त लड़कियों से घिरा रहता था। इसके जवाब में जरोम ने कहा कि वो खुद भी नहीं जानता था कि दूसरी लड़कियों के आसपास होने के बावजूद वो किसी एक से शादी करना चाहेगा, पर सिर्फ लुसिंडा ही वो औरत है जिसके साथ रहने से उसे सच्ची खुशी मिलती है। अरोरा एक राइटर है जो अपनी अगली नॉवल लिखना चाहती है। जरोम चाहता था कि अरोरा उसकी जिंदगी से कुछ इंस्पिरेशन ले, मगर अरोरा का कहना था कि जरोम के जैसा कैरेक्टर एक अच्छी कहानी का इंस्पिरेशन नहीं बन सकता। बातों बातों में उसने बताया कि लौरा को जरोम से प्यार हो गया है, पर अगर जरोम अपनी पत्नी को छोड़कर लौरा जैसी छोटी उम्र की लड़की के साथ अपनी शादी का दिन भी बिताए तो भी वो एक अच्छी कहानी नहीं बन सकती। पर क्योंकि जरोम चाहता था कि वो उसके किरदार पर एक कहानी लिखे, अगले दिन उन दोनों ने एक खेल की शुरुआत की जहां जरोम पूरे महीने के अपने वेकेशन पर होने वाली हर एक बात उसे बताएगा और उन बातों से अरोरा अपनी कहानी लिखेगी। अरोरा और जरोम की दोस्ती ऐसी थी जहां वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन्हें साथ रहना पसंद है, पर सिर्फ दोस्ती के नाते, और इसी दोस्ती के नाते उन दोनों ने इस खेल की शुरुआत की। अपनी कहानी के लिए अरोरा ने जरोम और लौरा को अकेले रहने के लिए कहा और उन दोनों के बीच बातें शुरू हुई। बातों बातों में लौरा ने बताया कि उसकी सौतेली बहन क्लेयर, जिसके साथ उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कुछ दिनों में यहाँ आने वाली है। पर जब जरोम उसे अपनी शादी के बारे में बताने वाला था तो अरोरा ने उसे रोक दिया और लौरा से वो उसकी शादी की सच्चाई छिपाने लगी। जरोम अरोरा की इस हरकत से खुश नहीं था और उसने उसके ऐसा करने के पीछे की वजह जानने की कोशिश की। वो उसके इस खेल से खुश नहीं था और चाहता था लौरा को सच्चाई का पता चले, और अगले ही दिन उसने ये बात लौरा और उसकी माँ के सामने कह दी, क्योंकि वो उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। ये सच सुनकर लौरा को बहुत बुरा लगा और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। उसकी माँ को लगा कि छुट्टियों की वजह से वो परेशान है, पर सिर्फ जरोम और अरोरा जानते थे कि सच क्या है। जब लौरा की माँ काम से बाहर चली गई तो अरोरा ने कहा कि जरोम के पास मौका है और उसे लौरा को संभालने जाना चाहिए। जरोम ने उससे अकेले में बात की और उसे शांत करने के बाद समझाया कि इस जगह की खूबसूरती को उसे एक्सप्लोर करना चाहिए। उसने लौरा से कहा कि वो उसे पहाड़ पर हाइकिंग के लिए ले जाएगा, जिससे उसे अपनी छुट्टियां बोरियत में ना बितानी पड़े। इस तरह उन दोनों के बीच दोस्ती के रिश्ते ने जन्म लिया। अगले दिन अरोरा किसी काम के लिए वहाँ से दूर गई और जरोम ने सोचा कि लौरा को अकेले छोड़ने से बेहतर है कि उसे अपने घर ले आए। जरोम के घर में उसने लुसिंडा की तस्वीर देखी और उसे लगा कि जरोम और लुसिंडा एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। उन दोनों ने कई देर तक एक दूसरे से दोस्ती और प्यार के बारे में बातें की, जिसके बाद अपने बगीचे से जरोम ने लौरा को एक फूल दिया। अगली शाम जब लौरा की माँ वापस आई तो लौरा ने कहा कि वो जरोम के साथ पहाड़ पर जाना चाहती है, पर जब उसकी माँ ने लौरा का बर्ताव देखा तो उन्हें समझ आया कि लौरा को जरोम से प्यार होने लगा है। पर जरोम ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें जरोम पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने उसे लौरा के साथ रहने से नहीं रोका। अगले दिन हाइक पर जरोम ने ये बात साफ साफ कह दी कि उसके दिल में लौरा के लिए जो फीलिंग्स है वो सिर्फ दोस्ती की है, और इसलिए उसकी होने वाली पत्नी लुसिंडा को लौरा और जरोम के साथ वक्त बिताने से कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ और वक्त साथ बिताने के बाद जरोम को समझ आया कि लौरा को उम्र से बड़े लोग इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि शायद वो उनमें अपने पिता को ढूंढती है, और क्योंकि उसने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था
वो ऐसे किसी इंसान के साथ रहना चाहती है जिसके साथ उसे सुरक्षित महसूस हो। अगले दिन जब जेरोम लॉरा से मिलने आया तो उसने देखा कि वहाँ क्लेयर आ चुकी है और उसके अलावा उस घर में कोई नहीं है। इसलिए जैसे ही क्लेयर का बॉयफ्रेंड वहाँ आया, जेरोम वापस अपने घर जाने लगा। कई दिनों बाद अरोरा वापस आई और उम्मीद कर रही थी कि जेरोम के पास उसे बताने के लिए बहुत सारी बातें होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। लॉरा जेरोम को छोड़ अपने दोस्त विंसेंट के साथ बिजी हो चुकी थी, इसीलिए जेरोम ने अरोरा से कहा कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है क्योंकि वो लुसिंडा के अलावा किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहता। पर फिर अगले दिन जेरोम ने क्लेयर को चेरीज तोड़ते हुए देखा और उसकी नज़र क्लेयर के घुटनों पर गई और वो उसकी घुटनों की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। वो क्लेयर के करीब आने के मौके ढूंढने लगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। जेरोम ने अरोरा से कहा कि लॉरा के साथ का एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुका है, पर उसके दिमाग में इस कहानी को आगे बढ़ाने का एक और रास्ता है और वो रास्ता क्लेयर है, क्योंकि आजकल उसका ध्यान क्लेयर पर जाने लगा है और वो पहली लड़की है जिसके करीब जाने में जेरोम घबरा रहा है। उसके मन में एक चाहत जाग चुकी है, पर वो जानता है कि इस चाहत का कोई मकसद नहीं। वो क्लेयर को पाना नहीं चाहता, पर उसे देखकर जेरोम के दिल में उसे छूने की चाहत पैदा होने लगी है, मगर सिर्फ उसके घुटनों को छूने की। पर वो जानता है कि ऐसा करना आसान नहीं है क्योंकि वो जबरदस्ती ऐसा नहीं कर सकता। एक दिन वॉलीबॉल खेलते हुए क्लेयर को चोट लगी, जिसके बाद जेरोम को उससे बात करने का मौका मिला और साथ ही अरोरा को जेरोम की चाहत को पूरा करवाने का मौका मिला। पर जेरोम ने उस वक्त अपने आप को रोक लिया। वो जानता था कि अगर उसे क्लेयर की मंजूरी लेकर उसके करीब जाना है तो उसके बॉयफ्रेंड को उससे दूर करना होगा, इसीलिए वो लॉरा को समझाने लगा कि वो लड़का क्लेयर के लिए ठीक नहीं। पर लॉरा समझ नहीं पा रही थी कि उस लड़के और क्लेयर के रिश्ते से जेरोम का क्या लेना देना है। अगली सुबह लॉरा अपनी माँ के साथ वापस अपने घर जाने लगी और वहाँ क्लेयर के साथ सिर्फ अरोरा और जेरोम ठहरे। जेरोम भी दो दिनों बाद वापस अपने घर लौटने वाला था, इसीलिए वो अब अपनी चाहत को पूरी करने के रास्ते ढूंढने लगा और वो रास्ता उसे एक दिन मिल गया जब उसने क्लेयर के बॉयफ्रेंड को किसी दूसरी लड़की के साथ देखा। और ठीक उसी वक्त क्लेयर भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना चाहती थी। इस मौके का फायदा उठाकर जेरोम उसे वहाँ ले जाने लगा, पर बारिश की वजह से बीच रास्ते में उन्हें रुकना पड़ा और तब उसने क्लेयर से उसके बॉयफ्रेंड की बात की, जिसके लिए क्लेयर कुछ भी कर सकती है। और जेरोम ने कहा कि वो लड़का क्लेयर के लायक नहीं है। जब क्लेयर उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी तो उसने उसे सच बता दिया और कहा कि वो क्लेयर से झूठ बोलकर किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। सच जानने पर क्लेयर रोने लगी और जेरोम ने उसे संभालने के बहाने अपनी चाहत पूरी की और उसके घुटने को छू लिया। जब वो लोग वहाँ से घर वापस आए तो ये सारी बातें जेरोम ने अरोरा को बताई और कहा कि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल तो गया, पर वो शर्मिंदा है क्योंकि उसकी वजह से क्लेयर एक अनजान इंसान के सामने रोई और उसी के सामने टूट गई। जब जेरोम ने उसे छुआ तो वो समझ गया था कि उसके छूने से क्लेयर को बुरा या अनकम्फर्टेबल नहीं लगा, इसीलिए उसने अपने आप को रोका नहीं। पर अगर क्लेयर को ये चीज अच्छी ना लगी होती तो जेरोम अपना हाथ हटा लेता। उसे अपनी चाहत पूरी करने से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि उसने क्लेयर को एक ऐसे लड़के से बचा लिया जो उसे धोखा दे रहा था और अब वो जिंदगी में एक बेहतर इंसान से प्यार करेगी। जेरोम ने अरोरा का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसकी वजह से वो क्लेयर के करीब गया और उसने वो किया जिसकी उसे चाहत थी, और इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं करना चाहता था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लुसिंडा है, जिसके अलावा वो किसी और के साथ नहीं रहना चाहता, और यही बात इस पूरे वेकेशन में साबित हुई। अगले दिन अरोरा ने बताया कि वो भी जल्द ही किसी से शादी करने वाली है और ये बात सुनकर जेरोम को अच्छा लगा कि अब उसकी दोस्त अकेली नहीं रहेगी। अपनी छुट्टियां बिताकर जेरोम घर लौटने के लिए निकला और अंत में क्लेयर से मिलने उसका बॉयफ्रेंड आया जो अपनी सफाई देने लगा और उसकी बातें सुनकर क्लेयर ने उसे माफ कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।